आज हम सब कुलाम के नियम की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम सब गुलाम के नियम की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। गुलाम का नियम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच अन्योन क्रिया अथवा एक दूसरे के प्रभाव पर आधारित है। इसकी दो सीमाएं हैं, या बिंदु आवेशों के लिए सत्य है अथवा बिंदु आवेश की सीमा। गुलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए वैध होता है, यह यदि दो बड़े बड़े गोली आवेश के लिए यह सत्य नहीं होता है। जब वे पास पास स्थित होते हैं, जब दो बड़े बड़े गोले पास पास स्थित होते हैं तो वे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और प्रभाव के कारण एक दूसरे के आवेशों को प्रेरित कर देते हैं, जिसके कारण उनके आवेश जो एक समान रूप से वितरित हैं वह एक समान रूप से वितरित न हो करके कहीं एक जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण जो कूलाम्ब फोर्स है वह एक्चुअल फोर्स से बदल जाता है, जिसके कारण कूलाम्ब का नियम फेल हो जाता है। यहाँ पर इसी बात की चर्चा हम कर रहे हैं भिन्न भिन्न स्थितियों को मानकर। स्थिति फर्स्ट, माना जब दो बड़े बड़े आवेशित गोले एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं तो एक गोले के आवेश द्वारा दूसरे गोले के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, जिसके कारण प्रेरण का प्रभाव कोई फर्क नहीं डालता और दोनों गोले एक समान रूप से वितरित आवेश की भांति व्यवहार करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक समान वितरित गोली आवेश एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है, जिसके कारण दोनों बड़े बड़े गोले एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं और यहाँ पर कूलाम्ब का नियम लागू होता है। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में मानते हैं, माना जब दो दीर्घचालक गोले पास पास हों तो प्रत्येक गोले पर उपस्थित आवेश दूसरे गोले पर आवेशित आवेशों को प्रभावित करते हैं। किस कारण से प्रभावित करते हैं? प्रेरक के प्रभाव के कारण प्रभावित करते हैं, जिसके कारण दोनों गोले पर एक गोले के आवेश के द्वारा दूसरे गोले के आवेशों को क्या कर देते हैं? प्रतिकर्षित कर देते हैं, जिसके कारण गोले पर जो आवेश एक समान रूप से वितरित थे अब वह एक समान रूप से वितरित न होकर के बल्कि दूसरे सिरे पर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण जो गोले का ज्यामितीय केंद्र था C1 और C2 अब गोले का जो प्रभावी केंद्र है वह P1 और P2 पर विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण जब गोले पर एक समान रूप से वितरित होते हैं उस स्थिति में कूलाम्ब का जो बल होता है 1/4πε0Q1/Q2 होता है। परंतु यदि गोले पर आवेशों के प्रभाव के कारण जो प्रेरण के कारण जो आवेश एक दूसरे से विस्थापित हो गए उसके कारण जो अब एक्चुअल फोर्स दोनों बिंदु आवेशों पर कार्य कर रहा है उसका मान 1/4πε0Q1Q2/R² हो जाता है, जहाँ पर R इफेक्टिव स्क्वायर पी तो एक समान रूप से वितरित दीर्घ आवेशों के कारण है, जिसके कारण चूंकि हम फिगर से स्पष्ट हो रहा है कि R इफेक्टिव से कम है, जिसके कारण एक्चुअल कूलाम्ब से कम हो गया। चूंकि कूलाम्ब बल जो हम लोग निकालते वह मान अधिक होता है, जबकि जो वास्तव में दो बड़े बड़े अथवा दीर्घ गोली आवेशों पर बल लग रहा है
वह उससे कम है। अर्थात यहाँ पर कूलम्ब के नियम का वायलेशन हो रहा है, कूलम्ब का नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, वैध नहीं, इसकी वैधता समाप्त हो गई, अर्थात कूलम्ब का नियम फेल हो गया। स्थिति दूसरी की बात करते हैं, यदि मानते हैं, सपोज करते हैं, यदि दोनों बिंदु आवेशों में दोनों बड़े बड़े दीर्घ गोली आवेश हैं, उनमें से दो के दोनों आवेश एक समान आवेश से ना आवेशित होकर के विपरीत आवेशों से अगर आवेशित हो, तो अब क्या होगा? Q1 पर धनावेश है तथा Q2 पर ऋणावेश है, जिसके कारण Q1 पर धनावेश जो है वह ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, और दूसरे सिरे पर जो दूसरा किनारा होगा गोली आवेश का, वहाँ पर आवेश नहीं रह जाएंगे अथवा बहुत कम रह जाएंगे, जिसके कारण जो अब तक प्रारंभ में गोली आवेश का केंद्र था, ज्यामिति केंद्र था, वही बड़े आवेशों का भी केंद्र बिंदु था, क्योंकि हम जानते हैं एक समान रूप से वितरित गोली आवेश पर गोली आवेश एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। अर्थात जब दोनों गोली आवेश परस्पर